Kiran Runs Academy में आपका स्वागत है. दिस इज एस के भास्कर बिफोर यू. टूडेज टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन बाइज ए रेफ्रिजरेटर एट ₹22,000 एंड पेज एन एडिशनल ₹1,000 फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड ₹2,000 फॉर इंस्टॉलेशन. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द होल ट्रांजेक्शन. मतलब एक व्यक्ति ने ₹22,000 रेफ्रिजरेटर खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करता है और ₹100 अतिरिक्त पैसा लगाता है, ढुलाई पे खर्च लगाता है, और ₹2,000 उसको स्थापित करने में खर्च लगाता है. इसका मतलब ₹22,000, उसके बाद ₹1,000 एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, ये ₹23,000, और ₹2,000 और खर्च हो जा रहा है. यानी टोटली उसके पीछे वो ₹25,000 खर्च कर देता है. अब बोलता है लेन देन में उसे 15% लाभ कमाने के लिए उसको क्या विक्रयमूल्य करना चाहिए. तो विक्रयमूल्य क्या करना चाहिए, इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा. आपको पता चल गया कि टोटल ₹25,000 उसका खर्च हुआ, क्योंकि 22,000, फिर 1,000, फिर 2,000, यानी टोटल 25,000 खर्च हुआ. 15% उसको प्रॉफिट करना है, इसका मतलब 115% पर उसको बेचना पड़ेगा. जब 00 से 00 कैंसिल होगा, 25 को अगर 115 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह होता है 28,750. इस प्रकार 28,750 उसका विक्रयमूल्य होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा, जो कि 28,750 फोर्थ ऑप्शन में है. इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेराइटीज ऑफ राइस ए एंड बी कॉस्टिंग ₹210 एंड ₹280 पर केजी रेस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4. द मिक्स्ड वैरायटी इज सोल्ड एट 260 पर केजी. व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट. मतलब इसमें दो तरह का चावल मिलाया जाता है तो उसको खरीदने में टोटल कितना पैसा खर्च होता है, उस पर हम लोग विचार करते हैं. पहले को अगर 3:4 के हिसाब से खरीद रहा है, यानी मान लीजिए पहले को 3 केजी खरीदता है तो दूसरे टाइप का वो 4 केजी खरीदता है. तो जब 3 केजी खरीदता है तो उसका टोटल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा. तो जो कॉस्ट प्राइस होगा सीपी, 210 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहां इसको 210 लिख देते हैं. 210 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और प्लस 280 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. इस प्रकार जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसका वैल्यू होगा 21,63, यानी 630. फिर 28 चौके हो जाएगा 112 पर 0, यानी कि ₹1,750 इसको टोटल खर्च लग जाता है खरीदने में. और बेचने में ये 3 किलो और 4 किलो, यानी टोटल 7 किलो बेचता है. इस प्रकार सेलिंग प्राइस जो होगा वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 260 को, तो इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 1820, यानी 1820 में उसको बेच देता है. चलिए इसको 1820 कर देते हम लोग. ये हो गया 1820. उसके बाद अगर 1820 में बेचेगा और 1750 में उसको खरीदा है, इसका मतलब ₹70 का उसका शुद्ध प्रॉफिट होता है. इस प्रकार जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो ₹70 होगा टोटल कितने पर, 1750 पे. तो 1750 यहां लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 100%. 10 से 10 कट गया, 7 से अगर काटा जाए तो यह 25 टाइम कटेगा. 25 से अगर 100 को काटा जाए तो 4 टाइम कटेगा, यानी 4% इसका शुद्ध प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है. इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 160 साइकिल्स वेयर सोल्ड फॉर ₹5,24,000 रिजल्टिंग इन ए लॉस ऑफ 10%. What was the cost price of the cycle? Rounded off to the nearest rupee. मतलब 160 साइकिल थे जिसको 5,24,000 में बेचा गया है, ये सेलिंग प्राइस से बेचा गया है, और 10% की हानि हुई है उस वजह से. तो बोला कि प्रत्येक साइकिल, यानी एक साइकिल का क्रयमूल्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले एक साइकिल का विक्रयमूल्य निकालते हैं, मतलब SP निकालते हैं हम लोग एक साइकिल का. यानी 5,24,000 में अगर हम 1,60,000 से डिवाइड करें तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 3,275, यानी ₹3,275 में उसको बेच दिया गया. अब ध्यान देना है कि 10% का लॉस हुआ, यानी अगर ₹100 का सामान है उसको आपने 90 में बेच दिया, यानी 90% पर बेच दिया है. तो इस प्रकार से 90% हो गया इसका 3,275. तो 100% जो होगा वही कॉस्ट प्राइस होगा. इस प्रकार से 3,275 डिवाइडेड बाई 90 और मल्टीप्लाई 100%. तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 10 से 10 कट जाता है, 9 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो यह लगभग हो जाता है टोटल एक तरह से 3,639. मतलब 3,639, यानी 3,600
39 रुपीज इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन थ्री में है। इस प्रकार ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मिल्कमैन परचेजेस 25 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम ए डेयरी ऑफ अ डेयरी फॉर आरएस 800 एंड सेल्स इट एट द रेट ऑफ 33.50 पर लीटर, व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस राउंडेड ऑफ। मतलब क्वेश्चन ये बोला गया कि एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपए में 25 लीटर दूध खरीद के लिए आता है और 33.5 रुपए में उसको प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो उसको लाभ या हानि क्या हुई, ये प्रतिशत आपको बताना है, 0.1 अंक तक पूर्णांकित होना चाहिए। तो सबसे पहले जो 800 रुपए में लाया ये 25 लीटर लाया तो खरीदा है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस एक लीटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, 800 में हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमें पता है 25 चौका 100 होता है, यानी 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी एक तरह से 32 रुपए लीटर के हिसाब से इसने खरीदा है। और सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 33.50, इसका मतलब डेफिनेटली इसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है 1.5 का, मतलब 33.5 में से अगर 32 घटाते हैं तो 1.5 रुपए का प्रॉफिट होगा। इस प्रकार प्रॉफिट परसेंट जो 15 यानी कि 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है आपका ये है 32, एक लीटर के बारे में हमें सोचना है, ये 800 तो पूरा का हो गया, तो ये हो जाएगा 32 और मल्टीप्लाई 100%। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के सेंस में ये एक तरह से हो जाएगा 8 चौका 32, 25, जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये आता है 4.7%, मतलब 4.7% जो होगा ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन 4.3 जो है प्रॉफिट है ऑप्शन थ्री में। इस प्रकार ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवा परचेस्ड एन आर्टिकल फॉर आरएस 2500 एंड सोल्ड इट एट 25% एबव कॉस्ट प्राइस एंड पेड ए टैक्स ऑफ आरएस 125, फाइंड द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इन रुपीज। अगर जीवा ने 125 रुपए में वस्तु खरीदी है और उसको 25% अधिक मूल्य पर बेच दी है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा 2500, और जो एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा पर बेचा गया, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसी 2500 का 125% हो जाएगा। 00 से 00 काट दिया, यानी 3125 रुपये में उसको बेचा गया, लेकिन इसमें वो टैक्स भी अपने से पेड करेगा, यानी इतना रुपये में वो देगा तो उसको 125 रुपया टैक्स भी पे करना है। तो इस प्रकार शुद्ध रूप से जो उसको बेचा जाएगा सही मायने में, वो 3125 में से 125 माइनस करेगा, यानी जीवा के हाथ में 3000 रुपये आएगा, और उसको वो खरीदी थी 2500 में, तो इस प्रकार से जो प्रॉफिट उसके पास आएगा वो 3000 में से 2500 माइनस हो जाएगा, तो 500 रुपया हो जाएगा, यानी ये 500 रुपये जो हो गया यही टोटल शुद्ध रूप से लाभ है, प्रॉफिट है। इस प्रकार ऑप्शन फोर यहां पर 500 है, जो कि सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज। मतलब इस क्वेश्चन में बोला कि विक्रयमूल्य है, मूल्य का क्रयमूल जो है वो 25% है। क्वेश्चन बोला यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 25% है तो लाभ कितना है, तो जिससे कंपेयर कराया गया उसको आप 100 मानेंगे, यानी सेलिंग प्राइस से कंपेयर कराया तो सेलिंग प्राइस को ही आप 100 मानेंगे। तो इस प्रकार कॉस्ट प्राइस जो बोलता है क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 25% है, यानी कि क्रयमूल्य 25% है, यानी 35 रुपया है। तो अगर 35 रुपये का सामान अगर 100 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब 65 रुपये का यह प्रॉफिट लिया गया। तो इस प्रकार से ये इसको लिख देते हैं पहले प्रॉफिट, तो जो आप प्रॉफिट परसेंट निकाला जाएगा तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट यानी कि 65 बाई सीपी यानी कि 35 और मल्टीप्लाई 100%, 7 × 5 = 35, 13 × 5 = 65। 1300 में जब 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब जो आंसर आता है वह 8.18571% ये आएगा, जो कि यहां ऑप्शन थ्री में है। इस प्रकार ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू वेराइटीज ऑफ सॉल्ट टी एंड एस कॉस्टिंग आर एस 25 एंड आर एस 35 पर केजी रेस्पेक्टिवली आर मिक्सड इन द रेशियो 4:6। द मिक्सड वेराइटी इज सोल्ड एट आर एस 37 पर केजी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, नमक की दो किस्में टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 और 35 रुपए प्रति केजी हैं,
चार और छह के अनुपात में उसे मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो मिश्रित किस्म को 37 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। और ये शब्द लिखा है लगभग, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, आसपास में हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए कि 25 रुपए केजी वाला 4 केजी मिलाया जाएगा और 35 रुपए केजी वाला वो 6 केजी मिलाया जाएगा। इस प्रकार से जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कैसे निकलेगा, तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस 25 रुपए वाला 4 केजी खरीदेगा और 35 रुपए वाला 6 केजी खरीदेगा, तो यानी 100 रुपया, 35 गुना 70 यानी 121, यानी यह इसको 310 रुपए में बेच देगा। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन ये बोला है कि 37 रुपए के हिसाब से फिर मिलाने के बाद बेचेगा तो टोटल 4 केजी और 6 केजी यानी 10 केजी हो गया। इस 10 केजी को वह 37 रुपए के हिसाब से बेचेगा यानी 370 रुपए में बेच देगा। तो खरीदा गया 310, बेचा गया 370 में, इस प्रकार से 60 रुपए जो होगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट के रूप में ये बेचेगा, यानी कि प्रॉफिट जो हो जाएगा पी निकाल लीजिए 60। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंट की जरूरत है, तो प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वो 60 रुपए होगा बाई कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 310, तो यहां पर हम लिखते हैं 310 और मल्टीप्लाई 100%, कैंसिल हो गया। इस प्रकार 600 में अगर 31 से हम डिवाइड करते हैं तो यह लगभग यहां पर 20% के आसपास आता है, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 दुना 6 लगभग 600, मतलब 620 के आसपास आएगा, 31 दुना 62, तो लगभग यह 20% के आसपास जाता है, जो कि ऑप्शन में है 20%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर महेश बाइस ए टॉय फॉर RS 25 एंड सेल्स इट फॉर RS 30, फाइंड द गेन परसेंट। महेश 25 रुपए में एक खिलौना खरीदता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 25, और उसे 30 रुपए में बेच देता है, सेलिंग प्राइस ये हो गया 30, तो ज्यादा बेचा ये 5 रुपए में, इस प्रकार जो प्रॉफिट हो गया इसका, ये 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो पूछा कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट बराबर ये 5 रुपए और बाई में कॉस्ट प्राइस जो कि यहाँ पर 25 है, तो 25 हमने लिख दिया और मल्टीप्लाई 100%, 25 पंचे 125, लेकिन यहाँ 5 है, 25 और 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 20%। तो इस प्रकार से 20% जो होगा ये इसका प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है, इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए शॉपकीपर चीट्स टू एक्सटेंट ऑफ 15% वाइल बाइंग एंड सेलिंग फ्रूट्स बाय यूजिंग टेम्पर्ड वेट्स, हिज टोटल गेन इन परसेंट इज। मतलब एक दुकानदार जो है त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है और फल खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम ये 15% का बेईमानी करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। डेफिनेटली जो बेईमानी करेगा वो इसका प्रॉफिट में आएगा। तो फॉर्मूला जब इसका जो हम लोग यूज करते हैं ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी कि खरीदते समय अगर ए प्रतिशत का बेईमानी करेगा, बेचते समय बी प्रतिशत का बेईमानी करेगा, तो टोटली इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो यही होगा। तो यहाँ ए और बी दोनों का वैल्यू यहाँ 15 है, इस प्रकार 15 प्लस 15 और फिर 15 × 15 डिवाइडेड बाई 100, 15 15 30, 15 15 को गुना करेंगे ये होता है 225/100, मतलब 30 प्लस इसको लिखेंगे 2.25, इट मीन्स 32.25 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में है, इस प्रकार ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 8% इज 3, द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस इज। मतलब इस क्वेश्चन में बोला कि 4% और 8% के लाभ पर बेचने के प्राप्त मूल्यों का अंतर 3 रुपए है, तो विक्रय मूल्य और संगत का अनुपात क्या है, मतलब विक्रय मूल्य के संगत अनुपात पूछा है आपसे। तो ध्यान देना है कि ये 3 जो दिया है अंतर, इससे निकालने से कोई मतलब नहीं है, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, तो उस हिसाब से अगर 4% के हिसाब से अगर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो यह 104 होता है, और अगर 8% के हिसाब से देखा जाए तो यह 108% होता है। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य का अंतर आपसे बताना है, तो देयरफोर जो आपको रेशियो निकाला जाना है ये हो जाएगा 104:108
प्रतिशत दोनों तरफ हट जाएगा। इस प्रकार 26 चौका होता है 104 और 27 चौका होता है 108। इसका मतलब 26:27 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहां ऑप्शन सेकंड में है। इस प्रकार ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज RS3, द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस इज। एक वस्तु को 6% और 4% के लाभ पे विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, उसका अंतर है 3, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। इंग्लिश में पहले देखिए, पहले 4% लिखा फिर 6% लिखा, हिंदी में पहले 6% फिर बाद में 4%। जब कभी भी अगर आपको एग्जामिनेशन में इस तरह का कंट्रडिक्शन आए कि अलग अलग जैसा दिखे, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले को ही आप सही मानेंगे, इंग्लिश मीडियम वाला ही आपका वो सही होगा। तो इस प्रकार से जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, तो इस प्रकार से जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा अगर 6% के हिसाब से देखा जाए तो यह 106% हो जाएगा, और जब 4% के हिसाब से देखा जाए तो यह 4% के हिसाब से 104 होगा। लेकिन हमें इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग चलना है, तो इंग्लिश वाले में पहले 4% लिखा फिर 6% लिखा, इसका मतलब जो हमें रेशियो निकालना होगा वो पहले 104% यानी 104 वाले को पहले लेना है और अनुपात 106 हो जाएगा। दोनों में अगर हम कॉमन करते हैं तो 52 × 104 होता है और 53 × 106 होता है। इस प्रकार से 52:53 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो दोनों का SP होगा। इस प्रकार से 52 और 53 इसका मतलब ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर किरण सोल्ड ए बस ऑफ RS 18,700 एट ए लॉस ऑफ 15%, एट व्हाट प्राइस शुड द बस बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। क्वेश्चन में श्रीमान किरण ने एक बस 15% हानि पर 18,700 में बेच दिया, अगर उसे 15% लाभ कमाना हो तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, इसको पहले 15% हानि पर बेचा, इसका मतलब 15 रुपया घटा के आप सोचिए 85% पर बेचा गया, इसका मतलब 85% पर बेचा गया और रुपया है वो 18,700। इस प्रकार 18,700 में बेचा, बाद में उसे 15% लाभ भी कमाना है, इसका मतलब 100 रुपए का सामान 115 में बेचना है, यानी कि 115% पर बेचना है। तो इस प्रकार से 115% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 18,700 डिवाइडेड बाय 85 और मल्टीप्लाई 115, 17×85 कटेगा, उसके बाद 23×5 ये कट जाएगा। अब उसके बाद 17 से अगर इसको काटे तो 17 × 17 = 17, फिर 17 × 17 यानी एक तरह से 1100 से ये कटेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 2, 5 और 3, 11 से गुना कर दिया और उस पर 00 यानी 25,300 में वो बेच देगा, जो कि 25,300 है ऑप्शन 3 में। इस प्रकार ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर राजेश बाइज ए टॉय फॉर RS 27.5 रुपीज एंड सेल्स इट RS 28.60, फाइंड द गेन परसेंटेज। श्री राजेश ने 27.50 रुपया में एक खिलौना खरीद कर उसे 28.60 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस है वो 28.60 रुपया है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 27.50 रुपया है, तो इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा 1.10 रुपये यानी 1.1 के रूप में आएगा। तो हमें निकालना है अब प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाय में कॉस्ट प्राइस, जो कि 27.5, जीरो को आप इग्नोर कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई 100%। इसको आप सही माने में सॉल्व करें तो 11/275 और मल्टीप्लाई 100%, अगर इसे काटे तो 11×22 11×55 25 से अगर 100 को काटे तो 4, इसका मतलब 4% का इसको प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में है। इस प्रकार ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन बाइज साइकिल फॉर RS 1400 एंड सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 100% में जो खरीदा था उसे वो 20% लॉस पर यानी कि 80% पर उसको बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इस प्रकार सेलिंग प्राइस जो होगा
वो कॉस्ट प्राइस यानी 1400 का 80% डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो गया, अब हम 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अठे 112 यानी कि 112 और उस पर एक जीरो यानी कि 1120 रुपए में उसे बेच देगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा जो कि ऑप्शन यहाँ 4 में है। इस प्रकार ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन सेल्स ए ग्लास फॉर RS 1085 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 8 whole 1/2% द कॉस्ट प्राइस इज, मतलब एक ग्लास को वह 1080 रुपए में बेचा है और प्रॉफिट कमा रहा है 8.25 लाभ, तो क्रैमुल क्या होगा यानी कि अगर 100% में खरीदा होगा, अगर वह मान लीजिए 10% में अगर प्रॉफिट क्या होगा तो 110% में बेचा होगा। तो उसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो जो भी इसका कॉस्ट प्राइस होगा, मान लीजिए एक्स कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसको वह 100 + 8.1/2% पर बेच दिया होगा जो कि 1085 हो जाता है। तो इस प्रकार इसको अगर हम सॉल्व करें एक्स कर देंगे तो 8 × 16 x 17, एक तरह से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और 17 डिवाइडेड बाई 200 और बराबर अगर इसको हम 1085 कर देते हैं तो 17 × 85 5 × 10 ये डेफिनेटली ये 5 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 5 × 10 पे 00 यानी 1000 रुपया, 1000 रुपया में उसको एक तरह से खरीद के लाया था, तब उसको 1085 रुपया में बेचने पर 8.1/2 यानी कि 8.5% का प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार 1000 आंसर होगा जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 25% इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट विल बी, मतलब एक वस्तु अगर 25% के लाभ पे बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ क्या होगा, लाभ यानी प्रतिशत में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये कहिए कि कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट निकालना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं। जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है ये प्रॉफिट परसेंट है 25%, इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 125% हो जाएगा यानी कि 100 का 25% हम निकाल लेंगे और फिर 100 में ऐड कर देंगे यानी 125 रुपया हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये बोला कि जो डबल्ड कर दिया जाएगा यानी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, इस प्रकार से जो न्यू SP हो जाएगा वो 2 × 125 हो जाएगा यानी 250 हो जाएगा। अब 250 रुपये में बेचे जाएगा और कॉस्ट प्राइस तो आपका अभी भी 100 रुपया ही है, तो इस प्रकार से 150 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा वो सही मायने में 150 डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन चलिए लिख लेते हैं 150 रुपया प्रॉफिट हो गया टोटल 100 रुपये पर और 100%, इस प्रकार 100 से 100 कैंसिल यानी 150% का शुद्ध प्रॉफिट इसको हो जाएगा जो कि यहाँ ऑप्शन सी में है 150% और ऑप्शन सी ऑप्शन फर्स्ट में है। इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट एंड 10 kg ऑफ शुगर वेयर एट RS 70 एंड RS 80 पर kg रेस्पेक्टिवली ऑन सेलिंग द गेन परसेंट 10% ऑन व्हीट एंड 20% ऑन द शुगर व्हाट वॉज द टोटल सेल प्राइस, 5 kg गेहूं 10 kg चीनी की लागत कीमत क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये प्रति kg थी। अब बेचने पर उसको 10% और चीनी पर उसको 20% यानी गेहूं पर 10 और चीनी पर 20% का लाभ होता है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले 5 kg यानी 1 kg का कीमत अगर 70 रुपये है तो 5 kg का कीमत कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 70 यानी ये कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन उसको 10% गेहूं पर प्रॉफिट लिया गया है, इस प्रकार से 110% पर इसको बेच दिया जाएगा यानी सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने के लिए बोला तो SP ही हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर 80 रुपये के हिसाब से 10 kg चीनी को बेचना है, तो इस हिसाब से 10 kg को 80 रुपये के हिसाब से बेचना है, इसका मतलब 800 रुपये लगेगा क्योंकि 80 रुपये प्रति kg चीनी है और उस पर 20% का लाभ कमाया जाना है, इसका मतलब 120% आपको निकालना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल कर लेते हैं, 10 से 10 फिर 10 से 10, तो एक तरह से ये हो जाएगा 7 × 7 = 35 और × 11 और प्लस 12 × 8 = 96 यानी 960, तो 35 और 35 ऐड करेंगे तो 5 × 8 = 385 यानी इसको हम 385 लिखेंगे और 960 लिखेंगे
जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 3 12 और 1 13, यानी इसको 1345 रुपए में, 1345 यानी 1345 रुपए में इसको बेच दिया जाएगा, जो कि 1345 यहां ऑप्शन बी में है और ये ऑप्शन भी ऑप्शन सेकंड में है। इस प्रकार ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैक सोल्ड ए ड्रेस फॉर आरएस 1440 एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट। जैक ने 1440 रुपए में एक पोशाक बेचा और 20% लाभ प्राप्त किया, तो उसका क्रैमूल कितना था, यानी कि 100 रुपए का सामान वो 120 में बेच देगा, यानी 100% पर के बदले वो 120% पर बेचेगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। इट मींस जो कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उसके 120% पर अगर उसे बेचे तो उसको 1440 रुपए में बेचना होगा। तो 12 12 को गुना करते हैं तो 144 होता है, तो डेफिनेटली ये 12 टाइम कटेगा। इस प्रकार से जो कॉस्ट प्राइस होगा ये 1200 हो जाएगा, यानी 1200 जो है वो हमारा ऑप्शन 3 यानी कि सी में है और ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में है। इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए परचेस्ड 109 कार्स फॉर आरएस 2,64,89,071, हाउ मच डज वन कार कॉस्ट। मतलब ए ने इतने रुपए में टोटल 109 कारें खरीदी है तो एक कार का मूल्य क्या होगा। सीधे सीधे आप डिवाइड कर दीजिए तो एक कार का जो मूल्य होगा वो होगा 2,64,89,071 में, जब हम 109 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा 243 यानी 2,43,019 रुपया। इसका मतलब ये 2,43,019 रुपया जो कि ऑप्शन सी में है और वो ऑप्शन सी ऑप्शन फोर में है। इस प्रकार ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ट्रेडर बॉट 120 kg ऑफ पोटैटोज एट 24 per kg, ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट 50% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 25% लॉस, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। मतलब 24 रुपए प्रति केजी की दर से वह 120 केजी आलू खरीदता है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस 24 को अगर आप 120 के हिसाब से बेच दें तो 12 12 144 होता है, 144 गुना होता है 288, यानी कि 2880 रुपए में उसने खरीदा। उसके बाद वो बोलता है कि 80 केजी आलू 50% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब ये हो गया कि 80 केजी आलू को अगर वह 50% लाभ के बेचता है, यानी कि 24 रुपए में खरीदता था उसके 50% यानी कि 150% पर बेच देगा। तो अगर यह 3 हो जाएगा, इसको 2 से कर लिया जाए और फिर इसको हम 12 से काट लें तो 8 3 24 24 यानी 240 120 से गुना करेंगे, यानी फाइनली ये भी 2880 हुआ। इसका मतलब कि 2880 रुपया खरीदने में उसको टोटल पैसा खर्च हुआ और जो 80 केजी बेच रहा है उतने में वो 2880 रुपया वापस पा भी लिया है, यानी अब जो वो 40 केजी बेचेगा वो टोटली उसका प्रॉफिट में काउंट होगा। तो आगे का जो वो बोल रहा है कि शेष आलू यानी कि जो 40 केजी जो आलू है वो 24 रुपए के हिसाब से जो खरीदा था उसके 25% हानि पर बेच दिया। इसका मतलब 75% पर उसने बेच दिया। इस प्रकार यह 3 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटा जाए तो यह 10 हो जाएगा, 24 3 72 यानी 720 रुपए उसको टोटल यहां पर प्रॉफिट के रूप में हासिल होगा, क्योंकि इतना जितना में खरीदा था उतना वो पहले से वापस पा चुका है। तो अब जो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो हो जाएगा 720 और डिवाइडेड बाय ये 720 जो आया है वो 2880 रुपया पर आया है। इसका मतलब 2880 रुपया पर आया और मल्टीप्लाई 100%, 10 से 10 कट गया तो 72 दुना 144 होता है और 144 दुना 288 यानी कि 72 चौका 288, 4 से फिर 100 कटेगा तो यह 25% होगा। इस प्रकार 25% का यह प्रॉफिट अर्न करेगा जो कि यहां ऑप्शन बी में है, लाभ में है 25%, और ये बी जो है वो ऑप्शन सेकंड में है। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग जो प्रॉफिट लॉस था रेलवे के लिए इसको आप लाइक जरूर कर लीजिएगा और जो चैनल है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नए वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे और नए नए ज्ञान आप हासिल करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।